हेलो बच्चे, आपका जो M3 का 70 मार्क्स का पेपर है, इसके लिए बहुत सारा कंफ्यूजन है, कौन से टॉपिक करना ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए करके। तो वो बात मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ और एक बात पेपर पैटर्न डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कौन से टॉपिक करना है मिनिमम, जिससे मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों का टेंडेंसी क्या होता है, एक ही यूनिट को सारे टॉपिक कर लेते हैं और बाकी यूनिट का बैंड बजा देते हैं। तो मैं जो लॉजिक से आपको समझा रहा हूँ, वो लॉजिक से अगर आप टॉपिक करोगे तो आपको ज़्यादातर मार्क्स अटेम्प्ट होगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा बच्चों लोग, सबसे पहले हर एक यूनिट में से आप दो दो टॉपिक कर लो जिसके सम कंपल्सरी आते हैं। बाद में टाइम मिला एक एक टॉपिक आप ऐड करते जाओ, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा पार्ट कवर होगा। क्योंकि एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन तो MCQ आने वाला है 10 मार्क्स के लिए, और बाद में हर एक यूनिट को 15 15 मार्क्स, 50 मार्क्स रहेगा, ताकि 4 यूनिट के हिसाब से 60 मार्क्स रहने वाले हैं। तो हर एक यूनिट में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट फर्स्ट 3 यूनिट के लिए, खाली लास्ट यूनिट का पैटर्न अलग है। 5 5 5 5 5 5 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। तो यहां पर मेरा सजेशन क्या रहेगा, कौन से दो टॉपिक आपको करना है, ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। तो स्टैटिस्टिक में आप सबसे पहले करो बच्चे लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड लाइन ऑफ रिग्रेशन, ये एक टॉपिक आपको करना ही है। और एक टॉपिक करना आपको मोमेंट, ये दो टॉपिक करो, कम से कम 10 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक पार्ट में आएगा, लाइन ऑफ रिग्रेशन और में आएगा, मोमेंट एक समय आया तो भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, दो टॉपिक साथ में आएंगे, तो आपको 10 मार्क्स मिनिमम हो गए। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी में आपको दो टॉपिक में मिनिमम कौन से बोलूंगा, पहले सबसे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, बाद में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही है। ये दो डिस्ट्रीब्यूशन की है तो भी आपको लगभग 10 मार्क्स आ जाएंगे। बाद में कौन से टॉपिक ऐड करना मैं बताऊंगा आपको। उससे बाद में वेक्टर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो दो टॉपिक में क्या बताऊंगा आपको, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फिक्स कर लेना। इसकी शुरुआत के 2 3 सम करेंगे तो भी बहुत है, या जो आसान लगते वही सम करो, बाकी जाने दो। और एक टॉपिक है ई रोटेशनल एंड 5 5, आप ये दो टॉपिक तो भी मिनिमम कर लो। और एक टॉपिक में बताऊंगा आपको एक एक ऐड करना। अभी बच गया यूनिट 6 में, यहां पर आपको 4 टॉपिक है। तो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग अगर आप करते हैं तो उसका लॉजिक हर जगह पर आपको काम आएगा। बाद में 2D कर लो, 1D करो, सेम लॉजिक है। अभी एक एक टॉपिक कौन सा बढ़ाना है, ताकि इतना किया मतलब आपका बहुत सपाट कवर हो गया, और एक टॉपिक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अभी एक टॉपिक कौन सा पढ़ना है, यहां पर लीस्ट स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर या कोफिटिंग। मैं आज क्वेश्चन पेपर भेजने वाला हूं, इससे आपको जजमेंट आएगा। ये टॉपिक कर लेंगे तो आपको गारंटेड 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स फिक्स। यहां पर एक कौन सा करना है, पॉइजन, नॉर्मल और बाइनोमियल या प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट आना चाहिए। यहां पर जनरली पॉइजन के 2 सवाल आएंगे या नॉर्मल के 2 सवाल आएंगे बच्चों। तो एक जो पार्ट करना है, मैंने जो प्रोबेबिलिटी के सम्स लिए वो कवर करेंगे तो भी चलेगा। और बर्न में अभी बच्चों को क्या प्रॉब्लम आता है फॉर्मूले याद करने में, वो भी सजेशन दे रहा हूं। वेक्टर कैलकुलस में आपको वर्ड डन एंड ग्रीन्स थ्योरम, ये टॉपिक तो कम से कम कर लो,
ग्रीन्स है, और यहाँ पर भी आपको इतना पार्ट किया तो भी चलेगा, कोई बच्चे ने फाइनाइट वाइब्रेशन किया तो भी चलेगा। तो ये मिनिमम करो, और इसके बाद में अगर आपको टाइम मिला तो आप एडिशनल टॉपिक करते जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पर मुझे गारंटी है मिनिमम दो सम साइन तो भी हर एक टॉपिक में 10-10 मार्क्स का काम कोर हो जाएगा, मिनिमम बोल रहा हूं 40 मार्क्स का पेपर गारंटेड प्रॉपर अटेम होगा, उससे बाहर समझ जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन बाहर नोटबुक में से आएंगे कि नहीं, 100% नोटबुक में से आएंगे, विश्वास रखना। अगर आप स्कैटर दिमाग से पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। अभी दूसरी बात, बच्चों को क्या डाउट होता है, सर एग्जाम में फॉर्मूला भूल गई तो क्या होता है, तो इसके लिए सिंपल ट्रिक्स बताता हूं, मेरा आइडिया समझ लो। आप ये जो टॉपिक दिखाई दे रहा है इसके फॉर्मूलेस याद करने का आइडिया बताता हूं। ये जो टॉपिक है दो सेशन में आपका एक प्रोसेस फिक्स करो। अब इसके आगे जितने भी टाइम है, मतलब एक तो सोने के टाइम में और उठने के बाद में, ये प्रोसेस फिक्स कर लेना। दिन भर में फॉर्मूलेस का दिमाग लगाना है नहीं, आप जितने भी फॉर्मूलेस मेन है हर एक में सोने के टाइम में आप याद करो, व्हाट आर द फॉर्मूलेस फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिकॉल करो, रिमाइंड करना। बाद में लाइन ऑफ रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बाद में मोमेंट का फॉर्मूला रिकॉल कर लेना, लीस्ट स्क्वायर मेथड का भी आपको फॉर्मूला देने वाला हूं, बाद में आप रिकॉल कर लेना, एक प्रोसेस फिक्स कर देना सोने के टाइम में और उठने के बाद में, आंखें बंद होगी तभी रिकॉल करना। बाद में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है रिकॉल कर लो, आप कभी भूलेंगे नहीं अगर मेरे आइडिया से अगर आप काम करोगे तो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है सम्स का, बर्नमल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला और प्रोसेस क्या होता है, ये सारा पार्ट आपको जिस टाइप से आप रिकॉल कर लेंगे मुझे गारंटी है आप कभी भूलोगे नहीं। सेम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला रिकॉल करना, इरोटेशनल का पार्ट क्या, तो ग्रीन सेरम, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग का तो क्या करो आप प्रोसेस ही याद करो, एग्जाम्पल का वाइब्रेशन स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है जो मोस्ट जनरल सोल्यूशन, 1D का क्या होता है, 2D का मोस्ट जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये पार्ट अगर टॉपिक आपके पास होगा आप रख दो लिखे, और नींद लगने से पहले आप ये करेंगे तो आपको कभी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, और उठने के बाद में जितने भी अभी एग्जाम के पहले जितना टाइम रहेगा वो दो टाइम में वही काम करो, दिन भर में आप बाकी पढ़ते रहो, मुझे गारंटी है आप कभी एग्जाम में भूलोगे नहीं। तो मैं सब बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये प्रोसेस मैंने जिस टाइप से बताया उस ये हिसाब से करो और कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, गारंटेड आपको पेपर सिंपल जाएगा, पेपर अपने नोटबुक में से रहेगा, और मिनिमम टॉपिक हर एक यूनिट में 3-3 टॉपिक करेंगे तो भी आपका पेपर मैक्सिमम अटेम्प होगा, और इसका प्रोसीजर आके बंद करके रिमाइंड कर लेना, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। और मैं लीस्ट स्क्वायर मेथड का वीडियोज भी आपको भेजने वाला हूँ जिससे आप सम कवर अप कर सकते हैं। थैंक यू।